हेलो, मेडिकल स्टोर है ना? मेडिकल्स बताइए। बेटा कितने पुरानी है आपकी ऑर्गेनाइजेशन? एक्सक्यूज मी, वांटेड टू नो योर एक्सपीरियंस। बेटा कितने सालों से आप दवाइयों के काम में हैं? 15 साल हो गए मेरी दुकान को। घर पे दवाइयां डिलीवर करते हो? हाँ हाँ, हमारे यहाँ डिलीवरी जी। तो आप अपना मोबाइल नंबर मुझे बता दो, मैं ऐसे खींच के फोटो स्क्रीनशॉट भेज दूंगा आपको। 9560। अच्छा बाकी छोड़ो, ये बताओ बेटा, सर्दियों में जैसे होंठ फटते हैं तो लोग क्या लगाते हैं? गर्मियों में क्या फटती है? मतलब बोलते ना, अरे बाप रे आज तो बहुत गर्मी थी, आज तो वो फट गई। वो मतलब मालूम है ना वो? आपको दवाइयाँ कौन सी ऑर्डर करनी है? पहले बीमारी बता रहा हूँ ना, गर्मी में क्या फटती है? फटती है, जानना चाहता था कि उसके लिए क्या दवाई है। फटने की दवाई चाहिए? होंठ फटने की हो सकती है तो बेटा उसके फटने की भी होनी चाहिए ना। एक काम करना, हाँ, सुई धागा ले, हाँ, छील ले। फिर तो मुझे वो सिलाई कढ़ाई वाले के पास में जाना पड़ेगा, मैं दवाई दुकान में क्यों कॉल करूँगा? मैं यहाँ टाके भी लगा लेता हूँ, मैं तेरे पे लगा दूंगा। कितना लेते हो आप टाकों का? ये काम मैं फ्री में करता हूँ, तो बता कितने टाके लगाऊं? बेटा वैसे तो बहुतों की फटी पड़ी है, मतलब सिलते सिलते तुम्हारे हाथ दुख जाएंगे। देख दूसरा इलाज भी है मेरे पास। हाँ बेटा, खोल के कूलर के आगे खड़ा हो जाए, कूलर चला के 3 पे। अच्छा बेटा, रहेगी ठंडी, तू भी रहेगा ठंडा, और ये जो फालतू की कर रहा ना तेरे। अगर नाक में जैसे ठंड लगती है, वहाँ पे ठंड लग गई तो फिर वो बहेगी, फिर तुम्हारे पास में आना पड़ेगा। तुम खाली अपना धंधा देखते हो, है ना? नसूड़ों में ना फंसा दूंगा। नहीं है बेटा कूलर, हाथ के बल खड़ा हो जा। हाँ खोल दे, ठीक है बेटा। इस उम्र में रामदेव वाली चीजें क्यों बता रहे हो बेटा? दिक्कतें भी तो इसी उम्र में शुरू हुई है ना, बाकी लोगों को तो नहीं दिक्कत हो रही इससे? बहुतों की मतलब ऐसे फटती है ना गर्मी आते के साथ ही। तू एक काम कर, हाथ पे बल खड़ा हो जा और अपने टांग चीर दे, ठीक है? पंखा ऑन कर दे 5 पे, लेकिन हाँ रूम में किसी को मत रखियो। क्यों बेटा? गलती से तू पाद पड़ा तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। बेटा ऐसी गंदी आदत नहीं है हमारी तुम्हारी तरह। अच्छे साले मोला खाने वाले साले इसक बोल के तू बताएगा गंदी बातें। बेटा एक चीज जाननी थी मुझे। देखो अभी भी कुछ जानना इतनी जलालत के बाद। हाँ, C6H12O6, C4H10, C8H18, बटा ग्लूकोज ब्यूटेन ऑक्टेन। फेल साले बीकर थी शकल के। नमस्कार, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से। और अबे यार प्रवीण भाई ये क्या क्या? मैंने तो पूछा सर्दी में होंठ फटते, गर्मी में क्या फटते, आपने खुद ही बताया वो फटते। हेलो जी, आपका नाम गगनदीप? हाँ जी जी। नमस्कार, हम सरकार की तरफ से बोल रहे हैं। अभी एक्चुअली क्या है कि इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे है। ओके, हम आपको आपकी भाषा के लिए सम्मानित करना चाहते थे, इसलिए हम आपको दिल्ली के सचिवालय में इनवाइट करना चाहते हैं, जिसके लिए वी विल सेंड यू दी एयर टिकट्स एज़ वेल। एक मिनट सर, आपको ये नंबर किसने दिया से मिला? आपका नंबर हमें विभाग से मिला है, और वहाँ के जो सचिव अध्यक्ष है उनके अंदर में एक उपाध्यक्ष रहते हैं, तो उपाध्यक्ष जी से आपका नंबर मिला है। अच्छा, उन्होंने आपका नाम रेफर किया और कहा है कि आपको सम्मानित करना चाहिए क्योंकि आपका कंट्रोल बहुत सही है और आपका नॉलेज भी बहुत अच्छा है। अरे अरे सर, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या ये कैसे, मतलब कहाँ से ये, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या आपको लग रहा होगा कि आपको कुछ नहीं आता, लेकिन आपको बहुत कुछ आता है, बहुत सारी चीजें। आप मुझे बताइए, प्रेमचंद की कहानियाँ किसने लिखी? ऑब्वियस बात है प्रेमचंद जी ने। सही जवाब, हमने कहा था ना, देखिए आपका छुपा टैलेंट है जिसके बारे में आपको खुद को नहीं मालूम है। अरे सर आप और बातें कर रहे हो। कबीर, कबीर के दोहे किसने लिखे बताइए? ऑब्वियस है कबीर, आप कैसे क्वेश्चन पूछ। सही है ना, देखिए आपको इतना नॉलेज है। देखिए आप संकोच ना करें। रहीम के दोहे किसने लिखे? अरे पागल, रहीम के दोहे रहीम ही लिखेगा, पागल आगल है क्या कुछ भी। और हम आपको दिल्ली सचिवालय बुला करके ये अवार्ड देना चाहते हैं, और ये अवार्ड आपको राखी सावंत हैंड ओवर करेंगी। अरे ये दिमाग तेरा खराब है क्या? कुछ भी, पहले तो मदर इंटरनेशनल बुलाना दिखाना अवार्ड दिला रहे हो, ऊपर से ये राखी सावंत कहाँ से, कौन सा अवार्ड है, कहाँ से कौन दिमाग पे। अच्छा एक बात बताइए, मिर्जा फुरकान जो है उनकी शायरियाँ किसने लिखी? मिर्जा सुल्तान की सारी कहानियाँ स्टोरीज है उनके नौकर ने लिखी था, आप बता। सर आपने ये जवाब भी देखिए, बिल्कुल सही दिया, एकदम सही जवाब सर। मिर्जा फुरकान साहब की शायरियां वही लिख करके देता था उनका नौकर, मिर्जा फुरकान अपने नाम पे चेप दिया करते थे सर मार्केट में। सर आप तो मतलब कमाल है, कहाँ से आई सर आपको ऐसी नॉलेज? जूतियों की दुकान है, मैंने जूतियां तेरी दिमाग खराब करके रहते। सर इसीलिए आपको बुलाया जा रहा है सर, क्योंकि आप भाषा का जो सही इस्तेमाल करते ना, जो आप अभी कर रहे हैं। ओ मैं तुझे भाषा सिखाता हूँ, तू सामने आप तेरी बिछा देनी है यहीं पे। सर आप जो गालियों का इस्तेमाल करते हैं ना सर इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे में, ये भी भाषा है सर एक तरह की, मतलब गालियां देना भी एक तरह से भाषा है। नहीं सिखाऊंगा भाषा।
सर मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से आपका मुर्गा बनाया जा रहा था। क्या कर रहे हो यार, इतनी गालियां भाई आपको ये अवार्ड सिर्फ इसलिए दिया जा रहा था क्योंकि आपने अपनी गालियां खुद से क्रिएट कर रखी है। अरे हेलो, वो आप जो हमारे इधर जिम में आए थे ना, मेंबरशिप आपने ली थी 21,000 रुपए दिए थे आपने। जी 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 जी। आप आए क्यों नहीं, मतलब उसके बाद? मुझे अभी नहीं बनाना है बॉडी वॉडी, जिम क्यों नहीं ज्वाइन करना है। आप तो बड़े उत्सुकता के साथ में आए थे कि आपको बॉडी बनानी है एंड ऑल। नहीं आया तो था लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई, शादी वादी होने वाली है मेरी एक्चुअली। तो क्या आपकी बीवी को बॉडी बिल्डर्स पसंद नहीं है क्या? मतलब मैंने सुनने में आया, पता नहीं रूमर होगा या क्या है, जिम विम ज्यादा करते हैं बॉडी वॉडी बनाते हैं ना, तो शादी के बाद थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, तो शायद मैं सोच रहा हूँ कि नहीं करता हूँ फिर मैं जिम। अरे देखिए हम आपको बताएं, आप उसकी टेंशन बिल्कुल ना ले, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। शादी के बाद आपकी जिंदगी में सुखी सुख रहेगा। मैं समझा नहीं, मतलब क्या? भाभी जी अगर आपसे खुश नहीं है तो हमारे जिम में बहुत सारे लड़के हैं। क्या बोल क्या रहे हो बे? जिम आइए, बॉडी वॉडी बनाएंगे और अगर आगे कोई प्रॉब्लम हुई तो हमारे लड़के हैं, संभाल लेंगे सिचुएशन। बोल क्या रहे हो तुम? पते की बात बता रहे कि देखिए अगर आपसे ना हो पाया तो दूसरे तो है ही जिंदगी में, अपना भला ना कर पाओ तो दूसरे का भला करना चाहिए कि नहीं? मार दूंगा तुम्हारी। अरे नहीं नहीं, हम नहीं, हमारे इधर लड़के तैयार किए हमने उसके लिए, खून पसीना एक करके मेहनत करी उन्होंने, बॉडी बनाई है इतनी, खून पसीना सब। अच्छा एक काम कीजिए, आपका घर में 100 स्क्वायर फीट का जगह होगा? अरे मुझे आपसे 21,000 रुपए लिए, हम लोग उसूल वाले हैं, हम आपकी बॉडी बनवा के छोड़ेंगे, आपके घर में एक ट्रेडमिल बेंच प्रेस और डंबल्स वगैरह भेज दे रहे हैं और हमारा आदमी हर दिन सुबह सुबह चला जाएगा, रमेश और सुरेश यहाँ के दो परफेक्ट ट्रेनर, उनको देख करके भाभी जी भी फिदा, तो भाभी जी का भी काम हो गया और आपका बॉडी का बॉडी हो जाएगा। भाभी जी कोई जरूरत नहीं। ए, तुम लोग इधर क्या कर रहे हैं? जल्दी से सामान पैक करो। अरे मुझे नहीं चाहिए यार, कोई हमें रोक भी नहीं सकता क्योंकि हम अपना काम कर रहे हैं। सुनो मैं भी मेरा काम करने दो, मैं अपना बॉडी बनाएंगे तो हम भी आपको काम देंगे। काम दोगे? क्या काम दोगे? हमारे पास बहुत काम पड़ा है सर। अरे करते करते थक जाएंगे। देखिए हमारे पास में क्लाइंट भी रेडी है। हाँ सर आइए। कम ऑन, अबे रख फोन। आई विल गिव वर्क। लो मार्केट में जॉब नहीं है, आपको काम दे रहे हैं। मार दे ठीक है। रखो फोन, हमने तो सिखाया इसको। अरे मैं भी आ रहा हूँ रे। दो क्लाइंट रेडी हो गए आपकी आवाज सुन करके, हम लोग दोनों जुड़वा हैं। अबे ओ जुड़वा वड़वा भैं लूंगा सब कुछ मैं, तुम्हारे डंबल दोनों एकदम फोड़वा देंगे। नमस्कार मैं आरजी प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 सर, हम आपका मुर्गा बना रहे थे। अबे यार नहीं लेकिन बॉडी वॉडी बनवा लीजिए, भाभी जी के काम आएगा। अरे नहीं भाई, वो भाभी जी के काम का ही तो नहीं बचूंगा फिर मैं, बॉडी बना ली। सुना है मैंने कि शादी का थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। हेलो विवेक बोल रहे हैं? हाँ जी, फोटोग्राफी से बोल रहा था। पिछले सप्ताह सागर भाई की शादी में आए थे ना, जी जी। उनका सर फोटोग्राफी का ना 7,500 का बिल हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि आपसे जरा सा पेमेंट ले लें। हमसे पैसा ले लें? शादी की सारी फोटोग्राफ में भैया आपका स्थान है, मतलब आप हर फोटोग्राफ में हैं। जाएंगे शादी में तो फोटो नहीं खिंचाएंगे क्या? इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर 370 फोटो खींची गई शादी में तो 350 में आपकी तस्वीर हो। दूल्हे के साथ में तस्वीर ले रहे हैं, आप बगल में खड़े हैं, घोड़ा चढ़ाई हो रहा है, घोड़े की लगाम पकड़े आप खड़े हैं, बारात में लोग नाच रहे हैं वहाँ पर आप सबसे आगे में हैं। यार है तो हम के साथ नहीं खड़े होंगे वहाँ पर से। ये नहीं मतलब आपने सब फोटोग्राफ बर्बाद कर दिया। उसकी शादी थी तो हम वहाँ पे जाएंगे नहीं। अरे आपका दोस्त एक नंबर बोला साला, हम पैसा नहीं देंगे। तो हमसे का पैसा लेने आ गए? अरे तो हर फोटो में तो आप ही हैं ना, हमारा तो 7,500 रुपए का नुकसान हो गया। सोन तुम ज्यादा करो मत, समझा? बड़ी बात हमसे किया ना करो। हाँ भैया विनीत बोल रहे हैं, सागर के भाई। ये कौन है, क्या बोल रहे, कह रहे कि वो पैसे देने पड़ेंगे? सागर भैया आपको कॉल करने आ रहे थे लेकिन उनको बड़ा अजीब लग रहा था उनको। नहीं, आपको नहीं अजीब लगा? हर फोटो में आप खड़े हुए हैं, इसे घोड़े का नाक भी छिल गया, पैसे लगा मुँह पकड़े थे। अरे तो भैया बोले दोस्त है यार, देखो थोड़ा अच्छे से बात कर लो, समझा तो कर देगा। 7,500 रुपए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपकी दोस्ती में तो बहुत कुछ किए खर्चा। लेकिन भैया पापा कितने फोटो में नहीं है, आप सब फोटो में खड़े हुए हैं। भैया सलाद पे आप हाथ रखे, सलाद वाला बत्तख बनाया था, बत्तख गिर गया भैया, बहुत हम लोगों को नुकसान हुआ है। लिफाफा में भी आप कितना रुपए दिए? 151 रुपए दिए थे। लिफाफा में जो खाली एक सिक्का चपका था और भी निकालते निकालते ना उस पे इतना कागज चपक गया, सिक्का चल नहीं रहा, गुटखा खाने गए थे वो भी मेरे मुंह पे फेंक दिया, बोला नहीं लेंगे, इस पे बहुत कागज चपका। भैया इसे लिफाफा क्यों लेते हैं? हमने अपनी श्रद्धा से जो दिया उसको दिया, श्रद्धा से दिए हम लोग, क्या देवी देवता थोड़ी मंदिर पड़े हुए। यहाँ पे लोग गिनने के लिए हमारा काउंटर लगा था, बड़े चाचा जी बड़ी मेहनत करके पेन में जो है इंक डाल के बैठे थे, सबका नाम दाम लिख रहे थे।
भैया तुम यहाँ पे शादी का पैसा कलेक्ट कर रहे थे कि वहाँ पे क्या कहते तुम इकट्ठा कर रहे थे सारा, फाइनेंशियल मिनिस्टर बने बैठे वहाँ पे भैया, जाते वक्त आप जो है छह छह ठो पान लेकर के गए। अरे तो हमारी मम्मी नहीं आ पाए थे तो उनके लिए खाना लेकर कोई बात हो गई। 15 रुपए का पत्ता जो है पान आता है, और वीडियोग्राफर नहीं रहता ना उस दिन हमारे और चूने लग जाते, उसी ने कैप्चर किया कि आपने सलाद गिराया, आपने ये किया, आपने हमको हमारा फोटोग्राफी का 7,500 रुपया दे दीजिए। ऐसा नाम दे पाएंगे हम, इतनी बात करते नहीं जितनी देर तुमसे कर। देखिए तो हमारे पास में उनका नंबर है, जो लोग ऐड देते हैं कि हम लोग में हाथ के भी पैसा निकाल लेते हैं। लगा रहे नंबर उनका जो हाथ के भी पैसा निकाल लेते हैं। कौन है भेजो ना, हम तो भेजो यहाँ पे कौन है उनको। फट गए क्या तुम्हारी? नहीं भाई हमारी तो नहीं फटी, आपकी फटेगी जब आपको मालूम चलेगा कि हम लोग रेड एफएम से बोल रहे हैं। मैं आरजे प्रवीण और आपका मुर्गा बनाया जा रहा था। अरे भैया क्या करते हो यार तुम लोग, एकदम साला बीपी ऊपर नीचे कर दिया। माफ करो माफ करो। हेलो सोसाइटी में रहते हैं ना, पंकज जी नाम है आपका। जी आप कौन? सर मैं ट्रैवल एजेंसी से बोल रहा था, आपके नाम की यहाँ पर टिकटें आई हैं बैंकॉक की। अच्छा ट्रैवल पीरियड है सर आपका 1 तारीख से लेकर के 4 तारीख तक का। बैंकॉक की टिकट मतलब समझा नहीं है मैंने, कैसे करवाया ना बुकिंग? नहीं नहीं आपने नहीं करवाई है, ये किसी ने करवाई है आपके लिए? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मतलब मैंने ऐसे करवाया। हाँ मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ 6-7 लोग आए थे हमारे पास में। अच्छा बोल रहे थे कि पंकज जी को होली के टाइम में कलकत्ता शहर में नहीं रखना है, उनको बैंकॉक भेज दीजिए। मतलब क्यों भाई? नहीं वो बोल रहे थे कि पंकज जी जैसा छोरा मी कुत्ता कमीना लिच्चड़ छिपकली टाइप छुछुंदर टाइप आदमी नहीं हो सकता। अबे, तो बोल कौन रहे हो? एक मिनट सर, मैं नहीं सर मैं ऐसा नहीं बोल रहा था सर, ये वो बोल रहे थे। सर मैं तो नॉर्मल ट्रैवल एजेंट हूँ सर, मैंने तो खाली टिकटें बुक करी है। बोल के चला जाएगा तो उसकी टिकट बुक कर दोगे? एक्चुअली उन्होंने बोला नहीं सुनो भाई मेरे, होली पे कैसे खेलते हैं? होली नहीं रंग नहीं लगाते हैं क्या? छिछोरा कैसे बात कर रही यार तुम? उन्होंने बोला है कि आप बड़े गंदे तरीके से होली खेलते हैं, मतलब आपको तमीज नहीं है होली खेलने की, और आप ना खाली होली का इंतजार करते हैं, भाभियों को रंग लगाएंगे, भाभियों को रंग लगाएंगे, हाय भाभी होए भाभी बस चले तो आपके हाथ कहाँ कहाँ ना पहुँच जाए, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे आपके हाथ। क्या हुआ भाई मेरे, होली में तो सब चलता है यार, बुरा ना मान लो। इसीलिए सुन मुझे ना सिखा, और ये कौन तुम सारे दोनों के दोनों कुत्ते के पिल्ले साले सामने आओ साले, भाभिया क्या आजा तेरे भी जंगल लगा दूंगा मैं। आपने पिछले साल क्या स्विमिंग पूल में ऐसे घुस करके पैंट हवा में ऐसे करके आगे करके पीछे किया और लोगों को बोला मैजिक देखो? तो किया तो तेरा क्या जा रहा था साले कुत्ते कमीने? पानी जो आपको दिया था पीने के लिए वो ऐसे पी करके फिर स्विमिंग पूल में आपने थोड़ा सा पानी फेंक भी दिया था कुल्ली करके। हाँ तो क्या हो गया इसमें, क्या सब करते हैं सब करते हैं? और स्विमिंग पूल में आपने सुसु भी करी है सर? सब करता हूँ मैं, करता हूँ मैं। तो इन तमाम सबूतों और गवाहों के मद्देनजर ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि आपको होली के टाइम में कलकत्ते में नहीं रहना चाहिए, भाभी भी सुरक्षित रहेंगी और लोगों की होली भी बड़ी शानदार तरीके से निपटेगी। जमान खींचो तुझे बताता हूँ मैं कैसे होली बनाते हैं, आजा तुझे। सर बैंकॉक जाइए वहाँ पर आपके साथ होली खेलने वाले बहुत मिलेंगे। अच्छा साला कमीना, तो हंसेंगे नहीं? त्योहारों के मौसम में दिमाग खराब कर रहा है, त्योहार को त्योहार की तरह मनाइए। अबे तू कौन होता है मुझे सिखाने वाला? हेडमास्टर है तू कहीं का साले, मेरा बाप मत बन तू। मैं हेडमास्टर तो नहीं हूँ लेकिन आपकी आवाज रेड एफएम पे जा रही है और सारे लोग सुन रहे हैं और आपका नाम भी ऑन एयर गया है। मैं प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से। अरे यार प्रवीण भाई यार क्या कर रहे हो यार, आपके फैन है यार हम, आप तो यार कम से कम ऐसी इंसल्ट मत करवाओ यार। नहीं देखिए बाकी सब तो ठीक है लेकिन वो स्विमिंग पूल में सुसु मत कीजिएगा। हाँ ठीक है भाई, आपने मना करके पक्का मैं मानूंगा। और भाभियों से थोड़ी दूरी मेंटेन है। अरे बिल्कुल भाई बिल्कुल आपके भाभी के साथ बस मनाऊंगा। डीजे Yes. बहुत बड़ा फैन है सर आपका। थैंक्स, कौन बोल रहा है? मेरा नाम विक्रम है और आप जो होली पार्टी में जाने वाले हैं 2 तारीख को? जी जी जी। मैं उसी पार्टी में जा रहा हूँ सर। ओके तो मैं चाहता था 2 तारीख के लिए आप जो आपका कॉन्सोल लाते हैं ना मशीन, वो मुझको भाड़े पर दे सकते हैं क्या? अरे कैसी बात कर रहे हो भाई, मैं खुद प्ले करने जा रहा हूँ वहाँ पर। आई वॉन्ट यू टू टेक सम रेस्ट। नहीं बट आई डोंट वॉन्ट टू टेक रेस्ट भाई। अथा लिचड़ टुच्चे 2 नंबर के चिंदी चोर गाने बजाते हैं आप, आपको अभी तो बोल रहा फैन हूँ फैन हूँ, अब क्या बकवास कर रहे हैं? होली की पार्टी में लगावे लिपस्टिक, लहंगा उठाई दे रिमोट से, ये सब गाने बजाते हैं आप? नहीं तो 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 क्या डीजे मिक्स चल रहा है तेरा? तो 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 मेरा काम है गाने बजाना यार, तुम्हारा काम नाचना है तुम नाचो। 50 होली के नॉन स्टॉप मिक्सेस डाउनलोड करके वही आप डाल देते सीडी में और खाली ऐसे आपका ट्रैक लाइए ना, हम मिला के दिखा देते आपको पूरा यूट्यूब से कौन सा एडिशन कौन सा किधर वॉल्यूम डाउनलोड किया हुआ है। मत बनाइए, तुम जैसे लोग होते हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि सब कुछ कर सकते हैं। कितना लेते आप एक प्रोग्राम का वैसे? आपको क्या करना यार, क्या मतलब है? मान लो होली का जैसा प्रोग्राम है उसमें बजाने का कितना लेते हो आप? होली का 50,000 लेंगे। औकात से ज्यादा नहीं मांग रहे हो? तू बताएगा मुझे मेरी औकात, तेरी औकात नहीं देने की भाई, इसलिए तू बोल रहा है समझा? 6 GB डेटा लगेगा फोन में घुसा के यूट्यूब से आप जैसा म्यूजिक तो हम भी बजा ले। अरे तो अपने फोन को अपनी खुद नाच ले समझा। और बता रहे हैं आपको आपकी डीजेइंग टेक्निक जब आता है ना मिक्स बाय डीजे
दस, तो उस टाइम में आप फेडर नीचे कर देते हैं ताकि दूसरे का नाम सुनाई ना दे वहीं पे। ओह यो लेडीज एंड जेंटलमैन, यू एंजॉयिंग, ऐसे करते हो आप? हां, पुट योर हैंड्स अप इन द एयर। पुट योर हैंड्स अप इन द एयर के अलावा और कुछ आता है आपको? यार ऐसा सुनो, तुम्हें क्या चाहिए मुझसे ये बताओ, मेरे को तो बहुत कुछ आता है, ठीक है? असर है ऊपर से, खाली वो कंसोल चाहिए, तुम बजा ना सको भाई। तो बजाएंगे अपना कौन सा जान बजाएंगे, हम ही बजाएंगे, आपको डीजे किराए पे नहीं देते, समझे? किराए पे देने के लिए रखा डीजे है, डीजे डीजे है, डीजे डीजे भाई नमस्कार, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से, और आपका मुर्गा बनाया जा रहा था। अबे यार भाई तो क्या यार, मजाक मजाक में भाई हमारी इतनी बुराई है, जरा मोरल डाउन कर दिया तुमने यार। लेकिन आप डीजे सर में सर बहुत अच्छे हैं। ये भी झूठ बोल रहे हो, तो मुझे पता है। हेलो जी, आपका नाम उमेर? जी उमेर। आपने शेप ऑफ वाटर के लिए एक अपडेट दिया था ना, ऑस्कर अवार्ड जीता मूवी ने। राइट राइट, ऑस्कर जीता है मूवी ने। तो हम लोग एक्चुअली, या आई विल टेल यू, हम लोग उस मूवी के इंडियन प्रोडक्शन हाउस से बोल रहे थे। ओके, वी वांटेड टू नो फ्रॉम यू कि आपको मूवी में क्या चीज बहुत अच्छी लगी शेप ऑफ वाटर में। ओवरऑल मूवी बहुत ज्यादा ही अच्छा है, तभी तो फिर ऑस्कर के लिए गई है, एंड इट्स वेरी नाइस। क्या बताऊं मैं आपको, सिनेमेटोग्राफी बहुत ज्यादा अच्छी है, पिक्चराइजेशन बहुत अच्छी है। शेप ऑफ वाटर देखकर के आपको क्या समझ में आया, मतलब क्या लगा? बहुत ज्यादा कनेक्टेड था एक्चुअली, मेरे को क्या समझ आया, देखिए ये मैटर नहीं करता है। लोगों को कभी कभी क्या होता है ना कि आपको बहुत ज्यादा हिट कर जाता है। बोलिए। तो फिर जब मूवी मेरे को हिट की ना, तो फिर आई वॉज लाइक के नहीं यार एक्चुअली अब ऑस्कर भी मिले। अच्छा बाय द वे सर, आपने अपना नाम नहीं बताया। घर वापस जाके जब अपने पिताजी का जा रहे होगा ना, पूछना इनसे हम कौन है। हेलो, ये क्या था, आप कौन बोल रहे हैं? हेलो, घर वापस जाके जब अपने पिताजी का जा रहे होगा ना, पूछना इनसे हम कौन है। क्या कौन बोल रहा है? हेलो, देखो बेटा ऐसा है कि चाहे जितना बड़ा हो जाए के नीचे ही रहता है। कौन है तुम? शेप ऑफ वाटर किसने बनाई है? हुज द डायरेक्टर सर, डू यू नो दैट? देखिए भाई मैं आपको बताऊं कि जो आदमी साली बड़ी सतावेली, एक बिहारी सौ पे भारी, एह बलमा बिहार वाला ऐसी मूवीज देखता है, वो अगर शेप ऑफ वाटर को लेकर के अपडेट डाले तो अच्छा नहीं लगता। अरे भैया हेलो, मैंने शेप ऑफ वाटर देखी है। मूवी किस बारे में? तुम हो कौन, हम तुम क्यों बताएंगे बे? घर वापस जाके जब अपने पिताजी का जा रहे होगा ना, पूछना इनसे हम कौन है। अरे देखी चीज बार बार बोले जा रहे, बोले जा रहे, बोले जा रहे, हिम्मत तो नाम बताना। मेरा नाम प्रवीण है और मैं 93.5 रेड एफएम से बोल रहा हूँ, और आपका मुर्गा बनाया जा रहा था मेरा। प्रवीण भाई ये नहीं कर रहा था भाई, एक बात बताओ भाई, देखी भी है आपने शेप ऑफ वाटर? मौका मिला था लोगों से अपना वो। अरे भाई फेंकने का तो लिमिट में फेंकने का। हेलो, माय नेम इज डॉक्टर प्रशांत, आई एम अ डाइटिशियन एंड अभी वर्ल्ड फिटनेस डे आने वाला है। अच्छा, आपका नंबर हमें आपके जिम से मिला है, तो वी वांटेड टू नो एग्जैक्टली व्हाट इज योर डाइट, आप क्या डाइट फॉलो करते हैं? वही हल्का फुल्का खाना ज्यादा, मतलब अवॉइड करता हूँ। और नहीं आई थिंक हल्का फुल्का तो नहीं आपका खाना, किस तरीके का फूड लेते हैं आप? सब्जियाँ ले लेता हूँ, फ्रूट लेता हूँ, बाहर का अवॉइड करता हूँ। मसालेदार होता है? हाँ मसालेदार लेता हूँ हल्का। बट ये सब जान के आप करेंगे क्या, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड इट? आप छिलके वाले फूड थोड़े ज्यादा खाते हैं ना? हाँ खाता हूँ, बट व्हाट डू यू नो एग्जैक्टली? आपको मालूम है कि जो टिश्यू पेपर आप इस्तेमाल करते हैं करने के बाद वो रीसाइकल होता है, ये सारी दुनिया को पता है कि रीसाइकल होता है सारी चीजें। बट द थिंग इज दैट यू नो द टिश्यू पेपर व्हिच यू यूज, ठीक है, वो रीसाइकल नहीं हो पाता। क्या घटिया बातें कर रहे हैं आप? सर मैं डॉक्टर होने के नाते ये बात आपको बता रहा हूँ। ये क्या आप क्या बातें कर रहे हैं आप? ऐसा है देखिए, मैं अभी उसी फैक्ट्री में हूँ जहाँ पर रिसाइकलिंग होती है। अच्छा, और आपका जो टिश्यू पेपर है उसमें छिलके बहुत लगे हुए हैं। छिलके इतने हैं ना कि मशीन में जब वो जाता है पेपर रिसाइकलिंग के लिए, मशीन पूरा। क्या बातें कर रहे हो यार, हमारी बातों पर विश्वास यार, तुम्हारी बात पे क्या यकीन करूं यार। क्या देखिए, पहले हम फैक्ट्री आते थे, 8-9 घंटा कुछ काम करने को होता नहीं था, तो आराम से बैठे रहते थे। कौन बोल रहे हैं अभी? अरे यार हमारी बात सुनिए यार, जब से मतलब आपका टिश्यू पेपर आने शुरू कर दिया है, पूरा मतलब मशीन में पूरा काई जम जाता है। तुम क्या घटिया छिलका, कौन हो तुम लोग यार? आप ना थोड़ा टमाटर खाना बंद कर दीजिए। वो लाल वाले जो छिलके, देखिए देखिए डॉक्टर साहब, देखिए देखिए फिर निकल रहा, देखिए मशीन जो है अरे उड़ रहा हवा में, उड़ रहा मशीन, मशीन को भी पता ही, उनका पेपर निकाल के फेंक देना है। हेलो यार, एक मिनट, आप तो ग्रोस आप जो कर रहे हैं वो ठीक? अपने हाथ से पूरा ऐसे ऐसे घिस घिस के हम निकालते हैं पूरा मशीन से। छी छी छी, और हाथ साफ करते हो कि नहीं? अरे ऐसे तो धोते हैं यार। तुम जो भी बात कर रहे हो ना, पहले तो गाली देने के लिए वाह 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 वाह।
वाह एक्स तो क्या कर रहे हो डॉक्टर साहब, हाथ मत रखिए वहाँ पर, उनका छिलका लगा हुआ है। पर भी छिलका लगा हुआ है सर, टमाटर का छिलका, आलू का भी डाल देना, खीरा भी डाल देना यार। तुम डॉक्टर, ये जो पेपर है, ये जो पेपर है, इसका तो बच्चे हवाई जहाज भी बना करके उड़ा नहीं पाएंगे, उसमें भी उनको मतलब टमाटर का छिलका मिलेगा। छी छी छी, तुम्हें पता नहीं कि तुम फोन किसको की हो? हाँ, किसी को फोन मिला दी हो? नहीं, हमको मालूम है, सही जगह पर फोन लगाए हैं, ठीक है। इट अफेक्ट्स, हाँ छी, जम गया, छोबड़ा से निकाल रहे। 9 घंटा पहले फैक्ट्री में इसी बैठे रहते, जब से इनका पेपर आना शुरू हुआ है ना। जी जी जी, हेलो सर। हाँ बोलो। बड़े प्यार से बोल रहे हैं। हाँ बोलो। तो आपको बता दें कि मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ 93.5 रेड एफएम से, और हम आपका गंदा मजाक कर रहे थे और मुर्गा बना रहे थे। हाँ सर, रेडियो पर गंद फैला दीजिए हमने। हेलो, दिस इज द हेड एचआर ऑफ योर कंपनी। यस सर। आप ऑफिस में बाहर का बहुत काम करते हैं? ऐसा तो नहीं है, झूठ बोल करके तो कुछ होगा नहीं। ऑफिस गेट्स ओवर एट 6 बट यू रिमेन इन ऑफिस टिल 8। हाँ वो, बट उसमें ऑफिस का भी काम होता है। ऑफिस रिसोर्सेज का आपको नहीं लगता कि आप गलत इस्तेमाल कर रहे हैं? आई गेट योर पॉइंट, बट ऐसा नहीं है। अगर आप अपनी गलती नहीं मानने को तैयार है, विल आस्क यू टू रिजाइन एंड लीव द कंपनी। मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मैंने एक दो बार शायद करा भी होगा। देखिए, आपकी सैलरी काटी जाएगी। आपने टोटल 76 प्रिंटआउट्स निकाले इंटू 9 रुपए, ये आपकी सैलरी में से डिडक्ट होगा। 9 रुपए सर, वैसे या बिकॉज आप ऑफिस की चेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑफिस की चेयर का कोई डिप्रिसिएशन वैल्यू है? ऑफिस का इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं, 35 रुपए प्रति घंटा उसका है, AC, लाइट, सब कुछ खर्च उसमें ऐड करना पड़ेगा। आई गेट योर पॉइंट सर, बट 35 रुपीज पर नेट सर, ये तो मतलब टू मच। आपने ऑफिस में बैठ करके एनिमल क्रिएशन डाउनलोड करी है, इनफैक्ट आपने सोफे पर बैठ करके वो मूवी देखी भी है। सोफे पर खुर्चा है, 19,000 रुपए के सोफा के कवर है सर। ये घड़ी घड़ी आप इंटरकॉम पे फोन उठा करके, ये जो रिसेप्शन में फोन करते, चाय भेजो, कॉफी भेजो, बाप के नौकर है तुम्हारे? ये तो सर सर्विसेज है। ये जो माउस का क्लिक है, 14 लाख क्लिक का आता है, आप 1 घंटे में 3-4 हजार बार क्लिक कर देते हैं माउस का। आई गेट योर पॉइंट सर, बट सर व्हाट्स योर नेम, दोबारा बताएंगे? आई एम द हेड एचआर ऑफ योर कंपनी एंड आई डोंट थिंक इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी टू टेल यू हु आई एम। आई रियली डाउट अबाउट इट सर। आपके 2 महीने की सैलरी काटी जाएगी। कर रहे हैं ऐसे कैसे, ऐसे थोड़ा। अरे बेटा, जो तुम अपनी गरम करते हो हमारी चेयर पे बैठ करके, उसके पैसे लगते हैं? ये और ये वो लैंग्वेज होती नहीं किसी एचआर की। आप मुझे ये आप बना रहे कंपनी को, कौन बोला था एनिमल क्रिएशन ऑफिस में बैठ के देखने के लिए? मैं नहीं मानता पहचान। नहीं, अगर डाउनलोड किया था तो आपको मुझे बुलाना चाहिए था, हम भी देखते। क्या? दिन भर कितना मेल भेजेंगे लोगों को, गुड मॉर्निंग और गुड नाइट का, और बर्थडे का केक का मैसेज भेजते रहते यार, हम परेशान हो गए सब काम कर करके। आप एक काम कीजिए, मिस्टर सांगवी जी से बात कीजिए, हु इज द ओनर ऑफ द कंपनी, आई एम ट्रांसफरिंग द फोन टू हिम। ओके, हेलो। अरे कौन हो साला, सुबह से 2 महीने सांगवी बोल रहे हैं। तुमने कौन सा तुम्हारा कंपनी का मालिक है इतना तुम कहा इस्तेमाल किया प्रिंट आउट एंड आउट? अरे किया है तो किया है साला, तुम्हारा क्या जा रहा है तुम्हारा? 9 रुपया करके मांगा है, चार दे दो। अच्छा सुनो, एक काम करो, 3 रुपया करके प्रिंट आउट, ठीक है, और 35 रुपया घंटा करके इंटरनेट सर्फिंग, ठीक है? अरे घंटा मैं तुम्हें कुछ नहीं दे रहा हूँ, कौन है तुम, बात कौन कर रहे हो? मैं वो बोल रहा था आरजे प्रवीण रेड एफएम 93.5 से। अबे यार, आराम करो। हेलो। ऐसा है कि एक ही बार बोलेंगे। कौन? अंदर रखिए आप। कौन बोल रहे हैं? बाहर मत निकालिए। किसको बाहर ना निकाले? अंदर रखेंगे तो पूरे शहर की भलाई है। दिमाग खराब हो गया है क्या, रॉन्ग नंबर लगाते हैं कहीं? आपकी बीवी का नाम कविता। हाँ। हम बोल रहे हैं मेट डिपार्टमेंट से। पहचाना भी। शहर का टेम्परेचर 36, आपकी बीवी आती है बालकनी में तो टेम्परेचर हो जाता है 38। आपकी बीवी के चलते पूरे शहर को भुगतना पड़ रहा है, इतनी हॉट। दिमाग खराब हो गया है क्या? इलाके के लौंडे सनबर्न का शिकार हो गए। कौन पहले ये बताओ, सनबर्न वो नहीं जो गोवा में होता है? किसने नंबर दिया है मेरा? कायदे से बोल रहे हैं कि अंदर रखिए भाभी जी को, बाहर मत निकालिए। मैं बता रहा हूँ फिर, मैं मेरे से बुरा नहीं होगा, रखो नीचे। हेलो भैया, हम आपका पड़ोसी बोल रहे हैं। भैया हम रास्ता के इस पार में रहते हैं, आप हमको पहचानते नहीं है, नाम कुमार है। हाँ कुमार। भैया आजकल मेहनत हमारा बहुत हो रहा है भैया, पाँव का ना पूरा काफ मसल निकल आया है। क्या मेहनत हो? ऐसा है भैया कि मतलब हम पहले कभी बालकनी वालकनी में नहीं जाते थे, अभी क्या ना दिन में 25 बार जाते हैं, कभी गमछा गीला कर लेते हैं उसको सुखाने, कभी चड्डी, कभी गंजी। अरे तो मुझे क्या लेना? तो भैया आप परेशानी का जड़ है। मैंने क्या किया? भाभी इतनी हॉट है ना कि भाभी को देखने के लिए हम बार बार बालकनी में जाते हैं। मजाक कर रहा है यार? मजाक वजाक नहीं भैया, बहुत छरहरी भाभी कहाँ से लाए हैं आप? भाभी की कोई बहन है? बालकनी में ना अचार उचार सुखाना हमको अच्छा नहीं लगता, मतलब इज्जत का बात है हमारा, लेकिन ना अभी आजकल क्या होता है, बाप बोलती है और हम ऐसे डब्बा से अचार जो है वो
डाल के बालकनी में ले जाते हैं। क्या बोला आपने? देखिए भैया गाली मत दीजिए, भाभी जी हाउट है, बस हम इतना ही बोले, इसके अलावा तो कुछ नहीं बोले। आइए ना, घर के ऑपोजिट में बालकनी है, वहाँ पर आके आइए ना, वहाँ पर आप दोनों मिल करके आपकी बीवी को देखेंगे। अफसोस भैया मेरे घर में बीवी नहीं है। नहीं, हम तो खाली आप ही का बीवी को देखते हैं भैया, दिल खुश संतुष्ट उसी को कहते हैं। अब भाभी जी जब बालकनी में आती है कपड़ा टांगने के लिए, एक एक कपड़ा उठा उठा के जो तार पे डालती है ना, और जो सब्जी दुकान वाला है नीचे, कल भाभी जी कैसे हाथ लगे बेचारा का, पूरा हाथ में फाला हो गया है, सनबर्न हो गया है। माँ नहीं है क्या? उनको जाकर देख, उनको छेड़। अरे भैया बिना मतलब पर्सनल हो रहा है बहुत, पर्सनल नहीं हो रहा है, ऐसे गुस्सा करते हैं भाभी के साथ भी आप। तुझे क्या मतलब, मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ? खाली एक बात बता दे, हम दो हमारे एक में संतुष्टि कर लीजिएगा, ठीक है? अरे है कौन? मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से, और हम हमें मालूम है सर, ऊपर वाला हमें माफ नहीं करेगा। ऐसा नहीं बोलना चाहिए था।